हेलो गाइस, नमस्कार गाइस। नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 5 गेमिंग फोन। इस सभी फोन में आपको 4GB रैम, 64GB स्टोरेज एंड गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाएगी। गाइस, इस सभी फोन आपको 15,000 के अंदर मिल जाएगी। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, नंबर 5 पे आता है Realme 7। तो गाइस, ये फोन आपको गेमिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। मतलब इसकी कैमरा और प्रोसेसर, इसका स्टोरेज, सब कुछ आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगी। तो गाइस, इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको 6GB रैम, 64GB की स्टोरेज एंड 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। और जो 64MP का मेन कैमरा है और फ्रंट में आपको साइड की तरफ 16MP का कैमरा दिया गया है, जो कैमरा क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो इसमें आपको 5000mAh की बिग बैटरी भी देखने को मिल जाएगी। जब इसके प्रोसेसर की बात करते हैं तो इसमें आपको MediaTek Helio G95 का प्रोसेसर दिया गया है, जो एक गेमिंग प्रोसेसर है। ये फोन गेमर के लिए भी बहुत अच्छा है। जो हैवी गेमर है वो लोग इसको परचेस कर सकते हैं। तो चलते हैं गाइस अगली फोन पर। हेलो गाइस, नंबर 4 पे आता है Realme 8। तो गाइस, ये फोन भी आपको गेमिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। उसका प्रोसेसर, उसका कैमरा और उसका स्टोरेज और उसका बैटरी भी बहुत, सब कुछ मतलब उस Realme 7 की जैसा, लेकिन ये 4 नंबर पे आता है। तो चलते हैं उसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो गाइस, ये फोन आपको 4G RAM के साथ आता है और इसमें आपको 128GB का स्टोरेज देखने को मिल जाएगी और 6.4 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। और कैमरे की बात करते हैं तो इसमें आपको बैक साइड में 4MP का मेन कैमरा और फ्रंट में सेल्फी में आपको 16MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगी। और बैटरी की बात करते हैं तो इसमें आपको 5000mAh की बिग बैटरी भी देखने को मिल जाएगी। जब आप प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें आपको MediaTek Helio G95 का प्रोसेसर भी मिल जाएगी। तो Realme 7 की तरह इसमें भी आपको Realme 8 में Helio G95 का प्रोसेसर दिया गया है, जो गेमिंग प्रोसेसर है। मैं जो जिस फोन के बारे में बताने वाला हूँ, ये 5 फोन सभी आपको गेमिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। चलते हैं गाइस हम अगली फोन पर। हेलो गाइस, नंबर 3 पे आता है Realme Narzo 20 Pro। ये फोन आपको 6GB रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज एंड 6.5 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। जो इसमें आपको 48MP का मेन कैमरा दिया गया है और फ्रंट में आपको 16MP का कैमरा दिया गया है। ये फोन 4500mAh बिग बैटरी के साथ आता है और इसमें आपको Helio G95 का प्रोसेसर दिया गया है, जो गेमिंग प्रोसेसर है। ये फोन खास गेमिंग के लिए भी बनाया गया है। उसका कैमरा क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो ये फोन आपको 65W की फास्ट चार्जिंग के साथ आ जाता है। तो ये फोन फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। तो चलिए गाइस अगले नंबर पर। तो गाइस, नंबर 2 पे आता है Redmi Note 9 Pro। तो गाइस, ये फोन में भी आपको 4GB रैम, इतना आपको 128GB इंटरनल स्टोरेज, मतलब इतना नंबर कम होता जाएगा, इतना आपको मतलब अच्छे अच्छे स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। तो इसमें भी आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो 48MP का वो मेन कैमरा और फ्रंट में आपको 16MP का कैमरा भी दिया गया है। इसमें आपको 5020mAh की बिग बैटरी देखने को भी मिल जाएगी। जब प्रोसेसर की बात करते हैं तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर दिया गया है। ये फोन भी आपको गेमिंग के लिए बहुत अच्छा है। मतलब जितने भी फोन बताइए सब गेमिंग के लिए, मतलब कुछ का स्टोरेज कम होगा, कुछ कुछ का स्टोरेज ज्यादा होगा, बस उतना ही फर्क है, लेकिन ये फोन सब गेमिंग के लिए बना है। इसका कैमरा क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो गाइस, लेना चाहते हैं तो ये आपको ऑनलाइन पर मिल जाएगा। चलते हैं गाइस अगले नंबर। हेलो गाइस, इस वीडियो को जो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है उसको दबा के सब्सक्राइब कर देना। जबकि मैं वीडियो अपलोड करूं तब आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो फाइनली गाइस, नंबर 1 पे आता है Redmi Note 10। तो गाइस, ये फोन में भी आपको 4GB रैम मिल जाएगी और 64GB की इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको 6.43 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो 48MP का मेन कैमरा है, जो फ्रंट में आपको थोड़ा मतलब कैमरा कम देखने को मिल जाएगी। तो इसमें आपको 13MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। जब बैटरी की बात करते हैं तो इसमें आपको 5000mAh की बिग बैटरी देखने को मिल जाएगी। ये फोन फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। तो प्रोसेसर की बात करते हैं तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 678 का प्रोसेसर दिया गया है, जो एक पावरफुल प्रोसेसर है। ये फोन भी गेमिंग के लिए बना है। जो गेमिंग के लिए फोन लेना चाहते हैं तो ये सब फोन ले सकते हो। तो ये भी फोन जब बाय करना चाहते हो तो ये भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों साइड अवेलेबल है। तो गाइस, मिलता हूँ अभी अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।